मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज असी क्रिया विशेषण ते क्रिया टॉपिक करा के बेटा असी टॉपिक पहला ठीक ठीक कर चुके हैं। काफ़ी बच्चे का बेटा क्रिया विशेषण काफ़ी मिस्टेक से, फिर तो बेटा एक बार देखो ध्यान ना। क्रिया विशेषण बेटा, क्रिया विशेषण आप एडॉप्ट करने हैं क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता दसन वाले शब्दों का बोल कहने क्रिया विशेषण कहने। हाँ, फर्स्ट किसान है बेटा कालवाचक, काल की न्यून समा कालवाचक क्रिया विशेषण, काल कहने समा भाव की जिन्हों शब्दों को क्रिया के वापरन का समा पता चले, भाव की क्रिया का किस समय हो रहा है, ठीक है, रात हो रहा है, सवेरे हो रहा है, दिन हो रहा है, ठीक है, किस समय जी क्रिया वापर रही है, उन्होंने कहने कालवाचक क्रिया विशेषण में हूं हो रहा है, जो कुवेले मतलब कोई समा ना हो सवेरे या कल आदि, भाव की क्रिया किस समय हो रही है उसके बारे में दस दिन पहले क्रिया विशेषण की कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, जो कुवेले सवेरे राति हूने या जो। सेकेंड है स्थान वाचक, स्थान मतलब प्लेस, ठीक है, किस प्लेस से क्रिया हो रही है, ठीक है, किस स्थान पे कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, उन्होंने कहने स्थान वाचक क्रिया विशेषण। जिवें कई तुसीं अंदर बैठ के पढ़ रहे हो या बाहर खेल रहे हो, ठीक है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, हेठ है, क्योंकि स्थान वाचक क्रिया विशेषण। थर्ड है प्रकार वाचक क्रिया विशेषण, प्रकार मतलब क्रिया के काम करने का ढंग की है, किस तरीके नाल तुसीं क्रिया कर रहे हो, किस ढंग नाल कोई काम कर रहे हो। कोई बच्चे हौली हौली लिखते हैं, कोई तेज से लिखते हैं, कोई रुक रुक के लिखते होंगे ना, कई बार छोटे बच्चे थक जाते हैं रुक रुक के लिखते हैं, काम किया रुक के, ठीक है, कई आदत होती है तेज से लिखने की, कई आदत होती है बड़ी आराम, ठीक है, लिखने की, कई सहज ना लिखते, सहज मतलब बड़े आराम, प्रकार क्रिया के काम करने का तरीका की, किस ढंग का क्रिया की जा रही है, जिम्मे होली या हौली हौली वह हौली हौली लिखता है या वह रुक रुक के काम कर रहा है या तेज से दौड़ रहा है या तेज से लिख रहा है। नेक्स्ट है बेटा कारण वाचक क्रिया विशेषण, कारण मतलब रीजन, ठीक है, किसी भी काम करने का रीजन की है, कारण की अपन क्रिया क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कारण वाचक क्रिया विशेषण भाव की किसी क्रिया के काम करने का कारण की है, रीजन की अपन कहने कारण वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, देखिए क्योंकि इसलिए ता जो या ता कि जिवें मैं बीमार सी इसलिए काम नहीं कर सकी, इसलिए क्या होगा कारण वाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, परिमाण मतलब मिकदार, काम करने की मिकदार कितनी है, ठीक है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण भाव की काम करने की मिकदार या परिमाण कितना कहते हैं, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, जिसे थोड़ा है, जरा है या बहुत है आदि। नेक्स्ट है सिक्स संख्या वाचक क्रिया विशेषण, संख्या को हम गिनती वाचक भी कह सकते हैं, ठीक है, संख्या वाचक क्रिया विशेषण या गिनती वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, भाव की क्रिया के काम करने की संख्या पता चले, गिनती का पता चले, जिवें घड़ी मुड़ी, ठीक है, घड़ी मुड़ी का होता है बार बार, घड़ी मुड़ी है, बार बार है, कई बार है या एक एक है या दो दो है, उसको कहते हैं संख्या वाचक क्रिया विशेषण। वैसे बेटा क्रिया विशेषण की आठ किस्म है, असि सिक्स के बीच बेटा आप सीख रहे हैं कि सिक्स की किस्म करनी है, दो किस्म हो रहा है बेटा इतना निर्णय वाचक क्रिया विशेषण ते निश्चय वाचक, वो तुम नहीं करनी है, सिर्फ आप सिक्स किस्म ही करनी है, कालवाचक काल का मीनिंग है समा, क्रिया के काम करते समय का पता चले, ठीक है, स्थान वाचक भाव की किस प्लेस से क्रिया हो रही है, प्रकार वाचक किस तरीके ना किस ढंग ना काम होता जा रहा है, होली है, रुक है, कालवाचक क्रिया के काम करने का रीजन की है, कारण की है, क्योंकि इसलिए। नेक्स्ट है परिमाण वाचक, ठीक है, क्रिया की मिकदार या मिकदार या गिनती का पता चले, जरा थोड़ा बहुता आदि, संख्या मतलब काउंटिंग गिनती, ठीक है, क्रिया के काम करने संख्या या गिनती का पता चले, मेरी कई बार कड़ी पूरी बार बार आदि, ठीक है, हम असि नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्रिया, नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे क्रिया, क्रिया यानी कि बेटा वर्ब, ठीक है, क्रिया उसको कहते हैं, क्रिया का अर्थ है कोई अपना काम करना, ठीक है, जे शब्द जिन्हों को किसी काम के कर या होने बारे काल सहित पता चले, वाह, ठीक है, क्रिया का संबंध किना होता है काल के नाल होता है, ठीक है, क्रिया के विच कहते हैं कर्ता, एक कर्म ते क्रिया, जदों जदों दे किसम आएगा कि
क्रिया के किस्म हो सकते हैं, कर्ता के कर्म भी हो सकते हैं। बेटा काम करने वाले, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले को आप अभी कहने हैं कर्ता कहते हैं। हाँ, जे मुंडा के क्रिया है, मुंडा क्यों होगा कर्ता, कुड़ी कसी टापरी है, कुड़ी क्यों होगा कर्ता, पापी काम करने वाले को आप अभी कहने हैं कर्ता। कर्म जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, कितना काम है, जैसे कुड़ी रस्सी टप रही है, ठीक है, कुड़ी की टप रही है रस्सी, रस्सी की होएगा कर्म, पाप की जो काम हो रहा है वो कितना है कर्म। नेक्स्ट है क्रिया, क्रिया बेटा हमेशा याद रखना वाक के अंत की चुनी है, क्रिया की चुनी है वाक के अंत की, अंत की चुनी है, ठीक है। जिन्हें कुड़ी रस्सी टप रही है, कुड़ी क्यों होगा कर्ता, रस्सी क्यों होगा कर्म, टप रही है ये क्रिया, टप रही है पुनः क्यों होगा क्रिया, ठीक है बेटा। जब कुछ क्रिया आएगी तो हमें लाइक करना होता है कर्ता की है, कर्म की है, ये क्रिया के लिए, ठीक है। जिन्हें भी जो बेटा कर्म हो गए वो सकर्मक क्रिया होती है, जिन्हें भी कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। आप कॉलेज की लगा के देख सकते हैं, जिन्हें बच्चे भंगड़ा पा रहे हैं, बच्चे की पा रहे हैं, आंसर मिले ना भंगड़ा, ठीक है, वो क्यों होगा भंगड़ा, क्यों होगा कर्म, जिन्हें भी कर्म है वो क्यों होगा सकर्मक क्रिया, जिन्हें भी बेटा कर्म नहीं है वो क्यों होगा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है ये किस्मत, नेक्स्ट है बेटा क्या दो सकर्मक एक असकर्मक कर्म समय, सकर्मक मतलब है कर्म दे समय, सकर्मक क्रिया कर्म दे समय, सकर्मक जिन्हें भी कर्म भी होने हो, ठीक है, जिन्हें कर्म है करते हैं मतलब प्लस कर्म है प्लस क्रिया, ठीक है, तीनों चीजें होंगी वो क्यों होगी सकर्मक क्रिया, ठीक है। स मतलब कर्म दे समय, जिस करता कर्म दे क्रिया, तीनों चीजें हो क्या होगी सकर्मक क्रिया। उन्हें जो तुझे पता लगाने हैं सकर्मक क्रिया कर्म क्रिया है की लगा के, जे बच्चे पंजाबी पढ़ते हैं, बच्चे की पढ़ रहे पंजाबी, आंसर मिलेगा बच्चे की पढ़ रहे पंजाबी, पंजाबी क्रिया कर्म। जे मैं कह रहा खाली बच्चे पढ़ रहे हैं, पंजाबी लगाया बच्चे की पढ़ रहे आंसर नहीं ना क्रिया का, यानी कि उसमें कर्म है नहीं, ठीक है, क्यों क्रिया क्योंकि अकर्मक क्रिया, अकर्मक बिना, ठीक है, अकर्मक मतलब बिना, ठीक है, कर्म तो बिना, अलग मतलब है कर्म तो बिना, सकर्मक कर्म समेत अकर्मक क्रिया बेटा जिसके बीच क्यों होएगा कर्म सिर्फ करता होएगा प्लस क्रिया होएगी, ठीक है, करता होएगा तो क्रिया करता मतलब दो काम कर रहा है, ठीक है, क्रिया जिसे काम कर रहा है, सकर्मक जिस करता भी है कर्म भी है ये क्रिया भी है, ठीक है, अकर्मक जिस करता भी है क्रिया है, क्लियर है। वो बेटा से इन्होंने चुनौती किस्म करा दी, ठीक है। फर्स्ट है बच्चे बाहर खेल रहे, हाँ क्रिया विशेषण के ऊपर देखो ध्यान रहे, तो बच्चों ने इसमें क्या है, ठीक है, क्रिया विशेषण बच्चे बाहर खेल रहे, अब मतलब चीज किस्म का है बेटा, ठीक है, उन चीज अब देखो केड़ी किस्म है बच्चे बाहर, बाहर मतलब बाहर बाहर खेल रहे हैं, यानी कि बाहर खेलेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, बाहर आ जाए अंदर आ जाए देखा आ जाए ऊपर आ जाए मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बाहर किए अंडरलाइन करके मतलब ये पहला चुनना है, ठीक है, जो चुनोगे नहीं तो किस्म के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, चुनना चुनना है फिर ऐसे किस्म लिखिए बाहर किए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है बेटा सेकंड, मैं सवेरे दिल्ली जाऊंगा, बाकी समय दस दे किस समय में दिल्ली जाना, देखो कि कह रहे हैं मैं सवेरे दिल्ली जाना, ठीक है, जो कह सकता सी मैं शाम ही जाना है, मैं कल जाना है, ठीक है, जो मैं पूरे जाना है, ठीक है, बाकी जो क्रिया ने दसिया करे क्रिया किस समय वापर रही है, किस समय हो रही है, वो कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। सवेरे पहले अंडरलाइन करा के वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है मुंडा फोली फोली लिख रहा है, वो काम करने का तरीका दसा है, मुंडा किस तरीके काम कर रहा है, दसा है ना, जब किसी चीज के काम करने का तरीका दसा जाए किस ढंग क्रिया हो रही है, ठीक है, किस तरीके क्रिया हो रही है, हौली हौली लिखते
स्टेशन। नेक्स्ट है, मैं लेट पहुंचा क्योंकि मैं बीमार थी। ठीक है, क्यों लेट पहुंचा, रीजन की है। ठीक है, क्यों क्यों किसी बीमार थी, क्योंकि ये बेटा कारण वाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि कारण वाचक क्रिया विशेषण बेटा नाम अपनी राफ कौन कुत्ते नोट भी कर रहे हैं। मैं बेटा तुसी ध्यान नाल वीडियो सुनी ते अपनी रफ नोट होंदे बेटा नोट कर लै।